नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे आज के मुख्य समाचार? आज अभी हमारे प्रदेश की कार्यकारी है, उसमें महिला कार्यकारी है, युवा कार्यकारी है, उसके साथ साथ जिले के अध्यक्ष आगे महामंत्री है। ये समस्त लोग आमंत्रित थे, उनमें से अधिकतर लोग 2019 जो है इस वक्त करीब आ गया है, इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? देखिए, तो हमारा सामाजिक कार्यक्रम है और हम सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक संगठन, तो उसमें हमारे यहाँ कुरीतियाँ, अशिक्षा हमारी, इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। आपकी रणनीति, चुनावी रणनीति क्या रहेगी लोकसभा चुनाव में? भाई, ऐसे ऐसे व्यक्तियों आप मुझसे पूछ रहे हैं किसी पार्टी तो, विशेष के साथ? देखिए, मैंने आपसे बहुत सवाल पूछा, यदि आप व्यक्तिगत पूछ रहे हैं मुझसे, तो मेरा व्यक्तिगत जवाब है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मेरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राम मंदिर के ऊपर क्या कहेंगे सर आप? ये विषय ये तो हर एक दिल से आप पूछेंगे, तो राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल क्लियर हमारा कहना है कि बहुत जल्दी बनता है। जो सर है अयोध्या के लिए, आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद काफ़ी कुछ काम हुआ है, दीपोत्सव इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाने का बड़ा, दीपावली इस बार की देखिए आप ऐतिहासिक, इसके अलावा मूर्ति लगाना, अयोध्या को एक स्पेशल हम लोग दिल में रखते हैं, तो वो दिखेगा, वो दिखेगा। अपने इस मंच के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? अखिल भारतीय लोधी महासभा की तरफ से एक ही संदेश है कि हम भारत माता की संतान हैं, हमारा समाज जो अशिक्षा किसी कुरीति से पीछे है, तो उसको हम दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा पूरा समाज बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हम निरंतर अपने समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारे समाज के अंदर भी कोई अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी रूप में पीछे न छूट जाए, हम समाज संगठन को बखूबी एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम अपने समाज की महिलाओं को लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने प्रयास कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को दिल्ली में एक हॉस्टल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, कोटा राजस्थान में भी एक हॉस्टल हमारा तैयार हो रहा है, जबलपुर में तैयार हो रहा है, जल्दी ही लखनऊ में एक हॉस्टल तैयार कर रहे हैं, जहाँ समाज की कमजोर बच्चियों को शिक्षा के माध्यम से समाज में आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। आज के कार्यक्रम में प्रमुख हमारे अतिथि जो मुकेश प्रसाद मौर्या जी, और 8:30 शाम को आ रहे हैं, और बाकी हमारे संगठन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अधिकार समिति के सभी पदाधिकारी आए कार्यक्रम में, सरकार राष्ट्रीय आगमन हो चुका है, सभी पदाधिकारी जैसा कि प्रदेश में 75 जिले हैं, तो क्या 75 जिलों में आप सरकार बिल्कुल 75 हमारी 75 में एज ए प्रदेश अध्यक्ष बता रहा हूँ, हमारे 75 जिलों में कार्यकारिणी तैयार है, और 13 स्टेट में जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी काम कर रही है, और हम लगातार समाज के खान के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और राजनीति से सक्रिय कर रहे हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधानसभा का प्रभारी था, चुनाव पार्टी के काम हम पार्टी के मंच से करते हैं, अपने सामाजिक संगठन के मंच से अपने समाज की उन्नति को कर रहे हैं, हमारे समाज में या हम समाज को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम राष्ट्र की जो है सेवा कर सकें। जैसे आपकी लोधी महासभा का परिषद महामंत्री, लेकिन ये संगठन जो हमारा है इसका प्रतिनिधि है, और ये संगठन पिछले 5-6 साल से निरंतर समाज की सेवा करता आया है, एक ज़रूरत थी कि प्रदेश स्तर पर कार्यालय बनाया जाए, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी अच्छी कृपा से ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ, और इससे एक हिस्सा समाज जो हमारे अंतिम पाए तक जो हमारे समाज का प्रश्न है, उस तक हम कैसे उसकी सेवा कर सकें, उसको कैसे शिक्षित कर बना सकें, उसके सुख दुख में कैसे खड़े हो सकें, उसके लिए ये सकारात्मक प्रयास लोधी समाज के उत्थान के लिए आपने ये किया है, इसमें क्या अन्य जात के लोग भी आपके पास प्रदर्शन कर सकते हैं? हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो हमारी समकक्ष जातियाँ हैं, जो उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जैसे कुम्हार और जैसे हैं
जैसे पाल हैं और निसार हैं, बिंद हैं, तत्सव हैं, इन सब के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का प्रयास और उनकी उनके हक की लड़ाई हम लोग अपने इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय रोगी महासभा के मंच के माध्यम से लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। और अखिल भारतीय, चूँकि हम लोग 6-7 साल से काम कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर प्रदेश स्तर हमारा कोई कार्यालय नहीं है। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय कैलाश जी की विशेष अनुकंपा से ये इस कार्यालय का विधिवत आज उद्घाटन हुआ है। और ये उद्घाटन सिर्फ इसलिए हुआ कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज के जो पीड़ित शोषित हैं लोग, उनके साथ जहाँ न्याय नहीं हो रहा उसको हम लोग न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे इस कार्यालय के माध्यम से। ये कार्यालय निश्चित रूप से अपनी आगे निरंतर प्रगति करेगा। नियमित रूप से यहाँ अखिल भारतीय महासभा महिला मोर्चा की संगठन तेजी से बढ़े, शिक्षा की प्रवृत्ति हो, बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, महिलाओं की भागीदारी निश्चित होनी चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक परिक्षेत्र में भी उनका अच्छा सा स्पष्टीकरण होना चाहिए, समाज में महिलाओं की भी संख्या भागीदारी को आज ये कार्यालय का आपका प्रदेश का उद्घाटन हुआ है सीख में, इसमें हमको आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यालय बनवाया है। पहले कार्यालय बहुत दूर था यहाँ से, तो वहाँ आने जाने में हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अब ये मेन नेटवर्क में आ गया है, विधानसभा के आसपास है, हम लोगों को आने में यहाँ दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आएंगे हमारे कार्यालय।